हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय फैमिली ब्यूटीफुल जर्नी। और मैं हूँ नीरू। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आज क्लियर ही होगा, आज भी मैं आपके लिए एक रेसिपी ही लेकर आई हूँ, वही शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये रेसिपी बहुत अच्छी भी है और हेल्दी भी है। सबको पता होता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स वैसे खानी चाहिए, बहुत हेल्दी होती है, पर फिर भी हम सब उसे अवॉइड करते हैं क्योंकि शायद हमको वो टेस्ट नहीं मिल पाता है। और बट ये इम्पॉर्टेंट होता है कि खाना तो चाहिए। तो जिस तरह से मैं यहाँ बनाती हूँ वो मैं शेयर कर रही हूँ कि उस तरीके से एक बार आप बना के देखिए, क्योंकि अगर ग्रीन वेजिटेबल्स में थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, तो डेफिनेटली सारे लोग उसे इंजॉय करेंगे। पालक पनीर भी तो खा सकते हैं। तो इसमें और भी चीज़ें, तरीके भी हैं जिस तरह से मैंने बनाया, उसमें आप पनीर का ऐड भी कर सकते हैं या उसमें कुछ अपने हिसाब से भी कुछ भी ऐड करके आप उसे और नया ट्विस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल मत कीजिएगा, पसंद आए तो मुझे कमेंट भी कीजिएगा, और अगर नहीं भी पसंद आए तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड जो मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं आज पालक मेथी के साग की रेसिपी की तरफ। आई होप आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो बस इसके लिए मैंने ले लिया है पालक, और पालक का 1/4 के लगभग मैंने ली है मेथी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और बस इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और सुखा के रफली चॉप किया है। साथ ही एक मीडियम साइज़ का टमाटर भी लिया है मैंने, जिसे भी मैंने रफली चॉप किया है। 1 टीस्पून के लगभग जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है और 7 से 8 हरी मिर्ची लिए हैं। आप हरी मिर्ची बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। मैंने लिया है कुकर, और कुकर में मैंने डाल दिया है रफली चॉप किया हुआ वो पालक। सिंपली मैंने इसे अभी फ्लेम पे नहीं रखा है, मैं अभी सिंपल रखा है वो नीचे ही, और मैंने इसमें डाल दिया है पालक। पालक के साथ ही मैं इसमें वही मेथी भी डाल दूँगी। मेथी हो या पालक, उसमें गार्लिक ज़रूर यूज़ होता है क्योंकि बिना उसके टेस्ट नहीं बनता। तो मैंने इसमें 7 से 8 कलियाँ गार्लिक की भी ली हुई है, जो कि मैंने मेथी में ही मिक्स की हुई है। आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें गार्लिक इसमें डाला हुआ है मैंने, आप और एक ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर, जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है, ये मैं टमाटर डाल देती हूँ। और साथ ही इसमें डाल देती हूँ जो ये हरी मिर्चियाँ जो मैंने काट के रखी हुई हैं, और साथ ही जो जिंजर गार्लिक पेस्ट, मतलब जो चीज़ें मैंने इसमें डालनी थी वो मैंने जो आपको दिखाई है वो सारी मैंने इसमें डाल दी हैं। इसके बाद हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। पानी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, उससे पहले आप नमक भी डाल दें, नमक भी इम्पॉर्टेंट है। और नमक में भी ध्यान रखें कि पालक में नमक थोड़ा कम ही डालें, जिससे कि पालक में ज़रा सा भी नमक तेज करो तो वो सॉल्टी हो जाता है ज़्यादा, तो थोड़ा कम डालें। मैंने पानी का जो इसमें है वो कम, एक छोटा सा ग्लास मैंने डाला है, आप थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हैं। इसे मैंने 1 विसिल लगने दिया है, 1 विसिल के बाद पालक का ये हालत हो जाएगी। आप ये देखिए, इसकी ये होगी ये दशा। अब इसको मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ। अगर आप लोग के पास ब्लेंडर है देन मच बेटर, अगर ब्लेंडर नहीं है तो आप फिर पालक को और मेथी को बहुत फाइनली बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करें, जिससे आप हाथ से उसे मिक्स कर सकें। इधर दूसरी जगह पे मैंने ले लिया है एक बाउल, बाउल के अंदर मैंने ले लिया है 1.5 टेबल स्पून के लगभग बेसन, और इसमें ही मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी 1/2 टीस्पून के लगभग टर्मरिक पाउडर, उससे कम ही चलेगा, मैंने 1/2 टीस्पून के लगभग डाला है, और 1/4 टीस्पून के लगभग रेड चिली पाउडर। इसे भी आप मसाले आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल रही हूँ, क्योंकि उसमें मैंने जो डाला था उसके हिसाब से मुझे इसमें भी ज़रूरत रहेगी। आप ज़रूरी नहीं दोनों में डालें, एक में डाल दीजिएगा, मतलब पालक में डाल दें तो चलेगा। इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका फाइन पेस्ट बना लेती हूँ। ये पालक के अंदर बाइंडिंग का काम करेगा, क्योंकि अगर डालेंगे वरना पालक जो होता है उसमें बाइंडिंग नहीं होगी और उसमें एक अजीब सा खारापन सा होता है। तो ये टेस्ट और बाइंडिंग दोनों का ही काम करेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो इसमें देखिए ये पूरे इसके लम्स पूरी तरह फिनिश हो गए हैं, ये इसका फाइन टेक्सचर हो गया। अब मैं इसमें पानी डाल के इसे थोड़ा सा लिक्विड कर लेती हूँ, क्योंकि इसे पकाना है तो हम लिक्विड करके पकाएंगे तो अच्छे तरीके से पकेगा और उसमें पालक के अंदर ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसी तरीके से। तो इसलिए थोड़ा सा हम लिक्विड करेंगे, ये लिक्विड पूरा रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इसमें आप हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने हींग नहीं डाली है, मैं हींग लास्ट में इसे बस तड़के में ही डालने वाली हूँ। तो बस जितने पानी की रिक्वायरमेंट है मैंने इसे ले लिया है, और अब नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं।
नेक्स्ट स्टेप में आकर मैंने पालक को वापस से गैस पर रख दिया है। हल्का सा गुनगुना होने पर, वैसे तो वो गर्म है ही, तो मैं इसमें अब धीरे धीरे से उसको जो मैंने बनाया है बैटर बेसन का, उसको डालना शुरू कर दूँगी। पर ध्यान रखिए इसे कंटिन्यू चलाते रहें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अवेयरनेस के लिए एक बड़ी, इसका कोई भी ढक्कन जो भी जिस पैन में आप बना रहे हैं, जैसे मैं कुकर ले रही हूँ तो कुकर का ढक्कन मैं रखूँगी, उसे साथ रखें, क्योंकि जब पालक और बेसन मिलके जब बनते हैं तो वो बहुत बाहर बहुत जंपिंग जंपिंग खेलते हैं, बहुत उछलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाहर आना, उबलना, बहुत जब वो उबलते हैं तो बहुत बाहर तक छिटकियाँ देते हैं, छिटकते हैं वो, तो वो बहुत डेंजरस होता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें मैं दिखा देती हूँ जो थोड़ा बहुत दिखा सकती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज उछलते हैं तो फिर वो थोड़ा सा उसको बंद करना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पर अपने कुकर का ढक्कन का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये देखिए जैसे उबाल आता है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये यहाँ पर ये बहुत तेज़ से उछट रहा है, तो मैंने एक हाथ से ढक्कन पकड़ के मैं इसको चलाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं एक बार आपको अंदर का भी दिखा देती हूँ, इसमें जैसे थोड़ा सा शांत हो जाए। इसमें एक चीज़ और है, जैसे ही ये पकने वाला हो जाएगा या पक जाएगा लगभग, तो ये ऑटोमेटिकली इसका ये छटकना कम भी हो जाएगा, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा और खुशबू से तो पता चल ही जाएगा कि पालक बन चुका है। ये देखिए ये मेरे पैन की ये हालत हो गई है, ये पर ये रेडी हो चुका है, अब ये पूरी तरह रेडी है। अब मैं इसको दूसरे पैन में इसे निकाल लेती हूँ। तो बस मैंने ये निकाल लिया है, इसको आप लगाते हैं तड़का। तड़के के लिए मैंने सिंपल यूज़ किया है ऑयल का, और बस उसमें जीरा, गार्लिक खूब सारा सा, और हींग, बस ये चीज़ें डाली हैं। साथ में कलर के लिए थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर डाल दूँगी। आप इसमें चाहे हरी मिर्चियाँ काट के डाल सकते हैं, या फिर इसका जो तड़का है आप बटर या घी में लगाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। हमारे यहाँ घी ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता तड़के में, इसलिए मैंने ऑयल में ही लगाया है। ये मेरा तड़का रेडी हो गया है, कलर के लिए रेड चिली मैंने डाली है। अब बस ये हो गया मेरा रेडी, साग मेरा तैयार है खाने के लिए। इसे सर्व कर दीजिए फुलके के साथ, राइस के साथ, जिसके साथ भी। एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट्स ज़रूर करें कि कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।